सबसे पहले तो मैं प्रिया जी को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके यहाँ तक लाना बहुत बड़ी बात होती है। सोच में तो बहुत लोग करते हैं बट हकीकत में करना बहुत मुश्किल होता है। और शम्स ने जो किया है ना, हम एक बचपन से बात सुनते आ रहे थे कि पैदा होना आपके हाथ में नहीं होता, आप कहाँ पैदा होते हो, किस कल्चर में पैदा होते हो, किस एरिया में पैदा होते हो, बट उसके बाद आप अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, वो आपके हाथ में होता है। तो उसी चीज़ को शम्स ने प्रूव करके दिखाया है और लोगों के लिए और बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी मूवी। इसको देख के शायद बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकेंगे। तो मेरी तो बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आप लोगों के लिए कि बहुत आगे जाए ये अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा करें और बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। थैंक यू। अब दोस्तों, इस फिल्म की जो डायरेक्टर साहिबा हैं, प्रिया राठौर जी से मैं चाहता हूं वो भी दो शब्द कहें। सबसे पहले मैं आप सभी आपके सभी के बहुत आभारी हूँ। सबको हैप्पी दिवाली भाई दूज की शुभकामनाएं। डायरेक्शन तो मैं बहुत दिन से कर रही हूँ पर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि अपने सही रूप से डायरेक्टर बन सकती है कि हमारे साथ जो हमें आशीर्वाद देने आए हैं आज हम बहुत खुश हैं। और मेरा बेटा भी उनको देख के आशीर्वाद लेके इस पिक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग के सामने बहुत जल्दी इसको लेके आएंगे। थैंक यू। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रहलाद जी का आना हमारी इस फिल्म के लिए किसी दिवाली से कम नहीं है, किसी भाई दोस्त से कम नहीं है। तो मैं प्रहलाद जी से चाहता हूं कि वो पहले दो शब्द कहते हैं, उसके बाद फिर टीजर देखेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। सर, बाकी लोग बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि आज भी प्रहलाद जी यहाँ खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। मेरे भाइयों, मीडिया के दोस्तों और सब, आप सबको दिवाली की भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो कि आज छुट्टी के दिन भी आप इतनी दूर से इतनी संख्या में यहाँ आए हो। वो एक ऐसे हीरो के साथ जिसकी वजह से मैं भी आया हूँ, क्योंकि ये इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आया कि जिस मोहल्ले में ये है उस मोहल्ले से मैंने भी बिजनेस शुरू किया था। जब इसने अपनी कहानी बताई तो मुझे लगा कि मैं ही मतलब जो है इसकी उम्र का वापस आ गया और पुरानी यादें मुझे वापस लौट आई। मेरी मजबूरी थी कि मैं 12 साल की उम्र से बिजनेस में आ गया और बाद में 14 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में आया, डिस्ट्रीब्यूशन में आया। लेकिन शम ने जिस 14 साल चालू हुआ उसका भी, शम ने जो अपनी कहानी बताई और जिस तरह से जो है ये क्रिकेट में रुचि रखने वाला आज जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है या बैट पकड़ना भी, मुझे सचिन तेंदुलकर की याद आई कि जिस तरह से सचिन बैट पकड़ रहा था और उस तरह से बचपन में इसी का स्टाइल जो है बिल्कुल वही है। और मुझे लगता है ये जिस भी चीज़ में हाथ डालेगा वो मुझे लगता है कामयाबी इसे कदम चूमेगी। इसमें मुझे इसको देख के इसके कॉन्फिडेंस, इसका जो भरोसा है अपने आप पे, वो इसको कहीं ना कहीं ले जाएगा। इसको खुद को नहीं पता चलेगा, बस सीढ़ियाँ चढ़ते जाएगा। ये इसका भविष्य मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ इसने मुझे कहानी सुनाई कि मुंबई 3 क्या है और मुंबई 3 की जो एक बैकड्रॉप दिखाया और जिस तरह से आपको हरीश पटेल जी ने, राइटर जी ने बताया, क्योंकि उन्होंने बंद लफ्ज़ों में आपको बताया कि फिर कहानी रिवील नहीं करना चाहिए, लेकिन लिफाफा जो है बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि अगर ऐसी पिक्चर बना दी तो मुझे लगता है कि इस जिस मोहल्ले की ये कहानी बना रहे हैं उस मोहल्ले की कहानी ऐसी जो है ना कभी आई नहीं। और अंडरवर्ल्ड किस तरह से बना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ,
अंडरवर्ल्ड किस तरह से बना और किस तरह से जो है ऑपरेट होता था, वो इस लड़के की मतलब रिसर्च और उस मोहल्ले में जाकर पूरी कहानी को निचोड़ निकालना, ये बड़ी बड़ी काबिलियत की बात है। और जो इस लड़के में जो है 14 साल की उम्र में इतना सोच रखना और इतना काम करना और आगे आगे दूसरे फील्ड में जाना, ये बड़ी काबिलियत तारीफ है। इसलिए मैं भी आपके सामने प्रस्तुत हूँ, वरना मैं आज अपनी मेरी पिक्चर अनाड़ी इस बैक रिलीज है 24 तारीख को, मैंने आज अभी तक उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा है या मीडिया को इंटरव्यूज जो है अभी तक नहीं दिया। लेकिन ये मुझे मौका मिला कि अगर मैं इसके चाहत पे, अगर इसकी सोच में अगर मैं हिस्सा नहीं बना, तो मुझ पर लानत है कि मैं मतलब जो है ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाया। क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन होती है, आदमी की सोच होती है कि जहाँ पहुँचना है, अगर उसको दूसरे भी साथ न दे तो मुझे लगता है उसका सपना जो है अधूरा रह जाएगा। और मैं किसी कीमत पे इसका सपना जो है अधूरा बनना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं अपनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपनी इंटरव्यू और अपनी पिक्चर की रिलीज को छोड़कर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। हालांकि मुझे इतना बैकग्राउंड नहीं मालूम कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पिक्चर मेरी नहीं है, राठौर फैमिली की है, मैं जाके क्या करूँगा। लेकिन नहीं नहीं जो है एक सोच है, क्योंकि ये लड़का जो है इतना इंस्पायर किया, तो मुझे लगता है कि इसमें नहीं आया तो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी नहीं, नया टैलेंट आएगा नहीं। और ऐसे भरोसे रखने वाले लोग जो है फिर हिम्मत हार के टूट के सो जाएंगे, क्योंकि इसकी हिम्मत जो है इस तरह से बढ़ानी है और इस तरह से इसको ऊपर रहना है। और यही जो है ये फ्यूचर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, इस फ्यूचर को हमको बनाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों इसके पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहेंगे, जिस हिसाब से जो है ना मैंने सोचा था कि कहानी है, उस तरफ से मुंबई 3 मतलब बॉम्बे 3, अब मुंबई तो अब होगा, जबकि कहानी है तो बॉम्बे ही था। बॉम्बे 3 एक मशहूर और जो है दिलचस्प और बिजनेसमैन, और जहाँ से शुरुआत हुई अंडरवर्ल्ड की, उसके उसका नाम जो है बॉम्बे 3 है। और आई थिंक राइट नाम जो है टाइटल पिक्चर का, सबसे पहला टाइटल जो है एक होना चाहिए पिक्चर के ऊपर जाए और लोगों को समझने में जो है टाइम ना लगे, तो ये क्लियर कट है और क्लियर टाइटल है जो स्टोरी पे जाता है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से ये पोस्टर अपना प्रोमोज भी दिखाया, जो शॉर्ट 30-40 सेकंड का जो है दिखाया, वो एकदम एक्यूरेट है और बहुत अच्छा है। ये तो शुरुआत है, ये तो फिल्म है नहीं, ये तो आपके सामने प्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेकिन जब इस तरह से जो है राइटर जो है अपनी अंदर होनी चाहिए, ताकि सोच जो है ना उनकी होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए, और जिस माहौल में ये रहती हैं और जिस माहौल को देखा है उन्होंने बचपन से, तो मुझे लगता है ये इनके लिए केक वॉक है जो एक अच्छी तरह से जो है फिल्म को प्रेजेंट करेगी और दुनिया के सामने लाएगी कि ऐसी भी चीज़ जो है जो आज तक लोगों ने नहीं दिखाई वो इन्होंने दिखा दी। सर उसको देखिए, आपको आपका भी बचपन याद आ रहा है। बचपन ये है कि जिस तरह से इसकी सोच है, इतनी एज में जो है इतना सोचना और फिल्म के बारे में सोचना, कैरेक्टर्स के बारे में सोचना, कहानी के बारे में सोचना, कहानी के बारे में सोचना और उसको देख के मतलब जो माहौल के हिसाब से जो है सामने लाने की कोशिश की, जो सराहनीय है बहुत,
क्योंकि एक बच्चा जिस तरह से मिट्टी का होता है, जिस तरह से उससे सिखाओ, जिस हिसाब से मोल्ड करो, उस हिसाब से जो ना जिस तरह से मिट्टी का घड़ा बनता है, जो शेप लाना हो ला जाओ, इस घड़े में जो है वो बात है। इस मिट्टी उसने इनके परिवार ने जो है ना उसको ऐसा सींचा है जो इसकी सोच जो है राइट ट्रैक पे जा रही है और राइट ट्रैक पे काम कर रही है। तो इस बच्चे को जो है ना पूरी क्रेडिट ये है कि जिस तरह से माँ बाप की परवरिश इस बच्चे को मिली है उस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। मुझे तो भविष्य जो है जो काम करना जानता है या काम के बारे में सोचता है उसका भविष्य ही भविष्य होता है। भविष्य इंसान खुद बनाता है, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नसीब और सोच दोनों एक साथ चलती है और दोनों का साथ मिल जाए तो आदमी अपना नसीब खुद बना सकता है अगर मेहनत करे। आप तो बना रहे, सरकार ने काफी पाबंदी ला दी है, अगर कुछ रुकावटें आती तो उसको आप कैसे नजर करेंगे? किस चीज की रुकावट होगी? ये बॉम्बे नंबर 3 क्राइम की स्टोरी चल रही है, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई सेंसरशिप में कोई रूल है। टाइटल पे जो है बॉम्बे 3 जो है 95 तक जो है बॉम्बे टाइटल था, महाराष्ट्र की नोटिफिकेशन है बॉम्बे को मुंबई करना, सेंट्रल की नहीं है। आज मद्रास को चेन्नई कर दिया, लेकिन मद्रास आज भी लोग बोलते हैं, अगर पुरानी फिल्म बनाएंगे तो मद्रास कैफे आई थी, बॉम्बे में आई थी बॉम्बे वेलवेट। तो मैं ही चेयरमैन था उस वक्त, मैंने ही मतलब बॉम्बे वेलवेट पास की थी। तो ऐसे बॉम्बे में कोई ऐसी टाइटल की कोई वो है नहीं, क्योंकि ये 95 के पहले की स्टोरी है। शाबाजी से पूछना चाहूंगा कि ये आपके जीवन के ऊपर कहानी है, तो आपको क्यों आया कि मेरे ऊपर ये फिल्म बनाई जाए? मेरे वो मुझे नहीं आया, मुझे मेरे बेटे ने मुझे मोटिवेट किया कि डैड अब आप ये पिक्चर बनाएंगे तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए। पहले तो हम बहुत टाइटल के अंदर कस्मस किए, लास्ट में हमने टाइटल को चॉइस किया कि मुंबई नंबर 3 रखेंगे, और ये 80% रियल स्टोरी है जो मेरे लाइफ से गुजरी है पूरी। इसके अंदर कोई वो नहीं है, एक एक जो स्टेप है वो रियल है। तो अंडरवर्ल्ड से क्या नाता आपको, जो इसमें अंडरवर्ल्ड आपने दिखाया? तो पिक्चर देखने में बता दिएगा ना, अभी बता के पूरी पिक्चर थोड़ी दिखाना है। उस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में उस टाइम पे उस टाइम के क्या हुआ था, उस टाइम की वोटिंग की हालत क्या थी, उस टाइम के नेता लोग का क्या रवैया था अंडरवर्ल्ड के साथ में, क्योंकि उस टाइम पे उस जगह पे हम कहीं ना कहीं 16 साल के एज के थे, तो हमको ऐसा लगता था कि हम भी भाई बने, तो भाई लोग के आजे बाजू में खड़े रहते थे, तो उनका सब हाव भाव हम लोग देखते थे, क्या होता था, कौन नेता आ रहा है, क्या बात कर रहे नेताओं से, नेता लोग को कैसा झलका भगाते थे, और वोटिंग कैसा ही थी, वो भी ब्लैक पेपर की जो वोटिंग थी वो हमने दिखाएंगे इसके अंदर, जो कि हमारे सामने गुजरी और उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट का हिस्सा रहा हूँ मैं। आपको डर नहीं लग रहा कि इस तरह की फिल्म बना के आपको प्रेशर आएगा ऊपर से? काय का डरना, जहाँ से अंडरवर्ल्ड में जन्म लिया वहाँ से हम भी जन्म लिए, हमसे भी क्या डरना है। इस विषय पर फिल्म बनाने का कैसे सबसे जब आपको बताया तो कैसे आपको बनाना चाहिए, अच्छी बात है क्या? पहले इसने गली का एक प्रोग्राम बनाया रियलिटी शो, तो इसकी हिम्मत देख के ये पिक्चर में अगर आना चाह बोला तो मैंने यस। अभी स्टार कास्ट को मैं ओपन नहीं करूँगा, स्टार कास्ट इसके लिए नहीं ओपन करूँगी कि सेंसिटिव पिक्चर है, अगर किसी स्टार को मैं धमकिया है तो मेरा आधी पिक्चर छोड़ के भाग गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसके लिए स्टार कास्ट मेरा कोई ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट इसका ट्रेलर रिलीज होगा, उसके अंदर सब स्टार कास्ट आपको नजर आ जाएंगे। हाँ स्टार हो गए। प्रिया जी कब से इस फिल्म की शूटिंग आप स्टार्ट कर रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइए? शूटिंग तो स्टार्ट है इसकी, अगले साल रिलीज भी रहेगी इसी टाइम पे, दिवाली के टाइम पे अगले साल रिलीज रहेगी, और सर का आशीर्वाद रहा तो रिलीजिंग में सर खड़े रहेंगे। जिस तरह से ये अंडरवर्ल्ड की कहानी आप उठा रही हैं, तो आप ये मुंबई एक मैसेज है, ये मैसेज है लोगों को, ये मैसेज है हमारा, रहने वाले लोग सिर्फ खराब नहीं रहते। आज हमारे एरिया की वो हाल है कि हम किसी को पिज़्ज़ा डिलीवर करने बोले ना, अगर हमारे बेटे को पिज़्ज़ा खाने का तो पिज़्ज़े के लिए डिलीवर करते हो तो इसे लिख के आता कि ये ब्लैक लिस्ट एरिया, नो द एरिया इज ब्लैक लिस्टेड, यहाँ पे मतलब लोग अच्छे नहीं, आप भी वहाँ खड़े रहकर आप पिज़्ज़ा मंगा नहीं ला के देंगे, हमारे एरिया में ऐसा कुछ है नहीं, हमारा एरिया एकदम क्लियर है। वो जो 90 के अंदर जो चलता था वो चलता था, अब नहीं है, अब तो वहाँ पे
क्राइम नाम का जीरो नाम का क्राइम है उधर। जैसे सर ने अभी बताया, जम साहब के रोल के बारे में बताइए, किस तरह का आपका रोल है? मैं एक ऐसा चाइल्ड इसमें रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे है ना एक छोटे बच्चे का रोल प्ले कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्रिकेट खेलूँगा और मेरे डैड के पास्ट को लेके चलूँगा। कैसे मन में आया कि कैसे आपने कॉन्सेप्ट बताया कि फिल्म बनी थी, क्या क्या दिक्कतें आपको फेस हुई थी? मैं एक दिन रात में सो रहा था तो डैडी बाजू में थे, तो मैं पूछा अब आपका पास्ट कैसा था, तो बना पूरी स्टोरी बताया। फिर मैं दो तीन दिन सोचा फिर मैंने अब्बा को कॉन्सेप्ट दिया, और एटलीस्ट मैंने 24 आवर्स की रिसर्च की थी, पूरा एनालाइज किया, पूरी स्टोरी को लेके देखा मैंने, पूरा एनालाइज किया, फिर मैंने ऐसे अब्बा को बताया, तो अब्बा ने बोले हाँ अच्छा आइडिया, चलो मैं आ गया। रिया जी, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना मुश्किल या चैलेंजिंग है ये जी? कितना मुश्किल है या चैलेंजिंग है? देखिए सर, एक सर के आशीर्वाद के और सर के हाथ के नीचे हम काम कर रहे हैं, इसलिए चैलेंज तो हम कोई भी एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज हम किसी के लेते नहीं हैं, चैलेंज देते हैं सर। और डायरेक्शन हमने बहुत किया है, पर अब जो डायरेक्ट करेंगे उसको हम सही डायरेक्टर मानते हैं कि अब हम डायरेक्टर बनेंगे। कहाँ कहाँ का लोकेशन आपने चूज़ जी? मुंबई 3 का लोकेशन रहेगा, तीनों गलियों का, सिंधी गली, चोर बाजार, मटन स्ट्रीट। जी गाने भी हैं, गाने रिलीज हो बन चुके हैं, हो चुके हैं। टीजर देख के लग रहा है ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी होगा, ऐसा है कुछ? ये तो आगे देखेंगे आप लोग, तो समझ में आए। मैं हरीश पटेल से सवाल पूछूंगा कि आपने किस तरह से कहानी को मोल्ड किया, कैसे बनाया, और उन्होंने आपको कहानी सुनाई, फिर आपने कैसे लिखी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाया उसके अंदर? देखो, जनरली लोग सोचते हैं कि मुंबई 3 इस जगह की कहानी है, कुछ उसमें क्राइम होगा, कुछ उसमें कंट्रोवर्सी होगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, लेकिन कहानी को कहने का एक अंदाज़ होता है और उसका एक बैकड्रॉप होता है। ये जो पिक्चर हम बना रहे हैं, जो शम्स ने अपने पिताजी को बताया और प्रिया जी ने और शहबाज भाई ने और शम्स ने जो मुझे कहानी सुनाई, वो कहानी इट्सेल्फ इतनी इंटरेस्टिंग थी, उसके अंदर इतना रियल ड्रामा था, सारा कुछ रियल स्टोरी थी कि अपनी लाइफ की जर्नी थी, कि एक ऐसी जगह में, एक ऐसी बदनाम गली में, जहाँ का नाम लो तो वहाँ पे सारे गैंगस्टर या क्राइम का ही लोग सबसे पहले उसको जोड़ते हैं, उस जगह पर किसी एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी और उसके संघर्ष में उसको आई तकलीफ की कहानी, उस तकलीफ में वो कैसे जीता है, कैसे झेलता है, उससे कैसे बाहर निकलता है और कैसे अपने परिवार को लेके चलता है, क्योंकि संघर्ष इतना आसान नहीं होता किसी ऐसी जगह में जहाँ की जगह जो ऑलरेडी बदनाम हो जाए। आपके पीछे एक टैग चल रहा है कि आप मुंबई 3 में रहते हैं, मुंबई 3 में रहते हैं मतलब आपके पीछे पीछे वो चल रहा है परछाई की तरह, कि वो पूरा का पूरा जो बदनाम गली का बदनामी है वो आपके पीछे चल रही सरनेम के जैसे, और उससे आपको लड़ना है, लड़के अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने बच्चे को इस्टेब्लिश करना है, और कैसे एक बच्चा अपने परिवार के साथ अपने पिता की देखभाल में कैसे आगे बढ़ता है, कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करता है, ये स्टोरी उसके ऊपर। ये कहानी जो है एक कीचड़ में पला हुआ बनता हुआ कमल का फूल है, जो निचोड़ यही है कि कीचड़ से कैसे बाहर निकल के कमल के फूल की तरह खिलता है। बीजेपी का मत समझिएगा लेकिन ये जो है इस मोड़ ये है कि हालात जो है ना इंसान को कितना मजबूर करती है और वो मजबूरी से कैसे बाहर निकलती है। इसके अंदर ये एक मुस्लिम लड़का मुंबई नंबर 3 का एक हिंदू लड़की से जाके MP के अंदर मतलब कट्टर संगठन हिंदू लड़की से शादी करके इधर आज तक के उनकी जर्नी रियल बताइए। नहीं बताइए आपका क्या रोल है इस फिल्म के अंदर, क्या कहानी सुनाई गई आपको, कैरेक्टर रिवील कर सकते हैं? देखिए मैं अभी आप मुझसे कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी थोड़े टाइम पहले कहा गया था कि बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं करनी है, तो मैं कहानी तो ऑलमोस्ट हम सबको समझ आ गई, बहुत क्लियर है। आप सब इसे कंट्रोवर्सी की तरफ से नेगेटिव पार्ट से देख रहे हो और मैं इसे पॉजिटिव पार्ट से देख रही हूँ कि एक बच्चा कैसे उस चीज़ से स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, उसने कैसे चीज़ों को अचीव किया है। और हम हमेशा रोते रहते हैं ना, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारे लोग इस लाइफ में ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, तो ये उसका एक छोटा सा मतलब
किसी की जिंदगी को आप 3 घंटे में नहीं दिखा सकते हो, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी, इवन अपने माँ बाप की जिंदगी को भी उस 3 घंटों के फ्रेम में उतारा है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम उसका नेगेटिव ना देख के यहाँ से प्लस पॉइंट लें कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपने चीज़ों से मतलब फाइट करके हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या आप बीती की कहानी है। कंट्रोवर्सी तब होती है जब एक मौला जिसकी जो है इर्द गिर्द जो है ना कहीं भी आपको जो है ना पॉजिटिवनेस नहीं मिलती, हर इंसान जो दूसरा भी है उसको नेगेटिव देखता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिज़्ज़ा, आज भी पिज़्ज़ा वाला लेके पिज़्ज़ा नहीं आ रहा, वो ये बीते हुए ज़माने हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन आज भी पिज़्ज़ा वाले को डर लगता है कि इस मोहल्ले में नहीं जाना। तो अगर आप जो है ना जो दो लोग देखते हैं फिल्मों से कोई सीखता तो नहीं है, जो माहौल होता है उसको फिल्म पर्दे पे लाया जाता है, एक आईने की तरह जो है ना सामने लाना है। अब उसमें किसको कितना समझ में आता है वो ऑडियंस जो है, अगर ये मजबूत होती है पकड़ने में कि आपकी जो सच्चाई जो है आपके दिमाग में बैठती है, तो ये लोगों को डर नहीं लगेगा, वरना जो डर है वो कायम ही रहेगा। तो इस तरह से जो है फिल्में आईने की तरह जो है सामने लोगों के पेश होती है, और इस तरह से सच्चाई दिखाना अपने तरीके से अपनी कहानी डाल के, ये मतलब कंट्रोवर्सी का विषय है ही नहीं। कंट्रोवर्सी होती तब है जब आप दूसरे को नेगेटिव दिखा के अपने को पॉजिटिव दिखाओ। हमको लोगों ने नेगेटिव किया, अब कैसे पॉजिटिव होंगे वो कहानी है। बोरा जी क्या कहेंगे आप इस फिल्म के बारे में, किस तरह से आप इसको फिल्म को हैंडल करते हैं और आप लीगल एडवाइजर हैं कंपनी के? बहुत सारे पहलुओं में लोगों ने अपना बयान बताया, बयान लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म के माध्यम से समाज को एक संदेश पहुँचने वाला है, और ऐसा तगड़ा संदेश पहुँचेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा भी होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ग्राफर मार्केट से लेकर सागरस्टा, ये पूरा मुस्लिम इलाका है, ये गारंटी के साथ कहता हूँ मैं कि अगर रात में 2 बजे कोई लेडी अकेली ग्राफर मार्केट से लेकर के सागर सर्कल तक भी जाएगी, किसी की मजान नहीं है कि उसको छुए या उसको छेड़े। ये संदेश जा रहा है कि ये इतना बदनाम इलाका नहीं है कि जितने भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। इज द सेफेस्ट एरिया ऑफ मुंबई, और मलबार हिल कॉर्पोरेट स्कीम के लोगों ने करोड़ों का घोटाला किया है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और यहाँ पर लोगों को लोन देने के लिए सरकार जो है ना कैसे कैसे रवैया अपनाती है वो आप इस फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने इससे पहले गली गाइस, हम है गली गाइस के ऊपर काम किया, तो मेरे हिसाब से नाजमा आंटी और वसीम अंकल के प्यार के से बहुत ज्यादा आगे आया था वो, मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको। मुंबई 3 में कितनी तैयारी कर रहे हैं? मैंने मुंबई 3 में बहुत तैयारी किया हूँ, मैं बहुत एनालाइज किया, 24 घंटे मैंने बैठ के एनालाइज किया हूँ। सोया कब? टाइम निकाल के सो लिया बस बीच में। 24 घंटा करके नहीं तो 24 घंटा हो जाए ना। देख आखिरी सवाल बेटा, अभी इसमें ऐसे कुछ सीन आएंगे जो बड़े खतरनाक होंगे, तो आप डरोगे तो कैसे? जिस जगह पे मैं पैदा हुआ और वहीं जगह पर अंडरवर्ल्ड ने जन्म लिया, मेरे को वो जगह से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदुस्तान के संविधान में कहाँ लिखा है सच बोलना और सच दिखाना झूठ है, जुर्म है। मैं सब सामने पेश करूँगा, जब हिंदुस्तान के लोगों को करने में शर्म नहीं तो मैं वो दिखाने में मैं क्यों शर्माऊँ? नारी बैग जो है, जिस तरह से मैं अपने पिछले जैसे कहा कि मेरे बहुत सारे न्यू कमर्स को लेके मैंने फिल्में बनाई है, एक और न्यू कमर को लेके अपना
नवाब खान और मिशिका चौरसिया मिथुन चक्रवर्ती के साथ अनीता राज के साथ फिल्म बनाई है जो आप पर्दे पे 24 नवंबर को आएगी। इट्स अ रोमांटिक इमोशनल और जो इसके अंदर एक भाईचारा इंसानियत के जो मैसेज है उसके अंदर कि आज जिस तरह से माहौल जो है देश में ख़राब चल रहा है और किस तरह से एक पोजीशन जो है जानबूझ के किस तरह से हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं, तो ये पिक्चर में मेरा मिठुन चक्रवर्ती जो है एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है जो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा है जिसके अंदर मतलब एक बाप का रोल अदा कर रहा है जो एक हिंदू लड़के का को अपनी बेटे की तरह मानता है और उस बेटे को जो है ना जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरतें पूरी करता है जो उसको भी नहीं मालूम पड़ती है कि मेरा बाप जो है बढ़ रहा है। ये रिलेशनशिप और एक हिंदू मुस्लिम की जो दोस्ती एक प्यार एक मोहब्बत जो आज हमें दिखने को है बहुत लेकिन दिखाते कम मतलब उसको भड़काते हैं ज़्यादा, तो ये एक तरीके से मैंने मतलब जो है इस फिल्म को बनाया है। 25 साल पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी बाई बाई जो इसी महीने में 14 नवंबर को आज उसका जो है 14 नवंबर को 25 साल पूरे हुए, वो भी ब्रदरहुड पे पिक्चर थी, दोनों हीरो एक हिंदू था एक मुस्लिम था और दोनों का जो है रिलेशनशिप जो है ना एक भाईचारे का था जिस तरह से मतलब एक कौमी सॉन्ग भी था आँखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है ये देश हमारा है ये देश हमारा है, उस तरह से ये 25 साल के बाद मेरी वही उसी महीने में मतलब एक हफ्ते बाद मतलब हिंदू मुस्लिम के भाईचारे और इंसानियत के नाते की एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है जो आज ज़रूरत है, जो एक डर पैदा किया गया है मुस्लिम कौम में कि भैया आपको जो है ना इस तरह से जो है ना हम हिंदू राज बनाएंगे, वो कम से कम एक रिलेशन देख के उन चीज़ों से हटके पड़े हटके एक फिल्म में आईना बन के लोग देखें और उसको अपना प्यार दें और इसमें लगे कि भी आज भी फिल्म इंडस्ट्री जो है ऐसी फिल्में नहीं बनाती जिसमें सिर्फ जो है मुस्लिम कैरेक्टर को नेगेटिव दिखा दो, मोस्टली क्या हो रहा है कि फिल्म के ज़रिए हर मुस्लिम को जो है टेररिस्ट माना जाता है जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि हर मुस्लिम जो है टेररिस्ट है और शाहरुख खान ने इस पर पिक्चर भी बनाई थी मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, तो मतलब जो है एक इमेज जो है ना एक जो प्रोजेक्ट किया गया उस इमेज को तोड़ने के लिए ये फिल्म की जो कहानी है वो एक मैं अनारी इज बैक जो एक सीधे साधे ऑनेस्ट आदमी की कहानी है जिसको साथ दे रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती एज अ मुस्लिम अबू जान। थैंक यू। रोल कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी और वो ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने हिंदुस्तान को ये जो क्रेडिट है वो सबको जाता है। इसी तरह से कोई पहले आपने किया है? हाँ मैंने काफ़ी काम किया है जैसे कुमकुम भाग्य सीरियल का क्राइम पे मैंने किया है। क्राइम में अभी मैंने एक शॉर्ट स्टोरी की थी जिस जो भ्रूण हत्या करता है और उसके बच्चों से लोग शादी नहीं करते वो आपको मिल जाएगा। तो भी